हाँ, इस सेक्शन में हम देखेंगे कैसे हम डीलर्स को ऐड कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे जो डीलर्स हैं जिनके साथ हम व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं या प्रोडक्ट देते हैं उनको, उनके डिटेल्स हम किस तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम उसका नाम जो है, उसका ईमेल जो है ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो आप तो एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसका डीलर का एड्रेस। ये एंट्री करने के बाद अगली बार जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम डायरेक्टली उस डीलर का नाम चूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहे फ्यूचर में कभी अगर डीलर के डिटेल्स सर्च करने हो तो हम आसानी से इस सिस्टम के थ्रू सर्च कर सकते हैं सब डिटेल्स, क्योंकि ये सिस्टम सेव करके रखता है। फिर अगर उसके और डिटेल्स या कोई रिमार्क आपको एंटर करना हो उसके बारे में तो आप एंटर कर सकते हो, या फिर उसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, और सबमिट क्लिक करने पे जो है डीलर के डिटेल्स एंटर हो जाएंगे सिस्टम में। इस तरीके से आप डीलर्स को एंटर कर सकते हो सिस्टम में। थैंक यू।